हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी पर स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं फिर से एक बार वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं और ये वीडियो मैं अभी बताने वाला हूं नेवी कोड गेस अपडेट के बारे में। आज क्या अपडेट हुआ है, मैं 22 तारीख की अपडेट बता रहा हूं, 22 नवंबर 2021। मतलब क्या अपडेट हुआ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। क्या होने वाली है कि फाइनली जिसका हम वेट कर रहे थे फर्स्ट ईयरिंग 22 नवंबर 2021 को, मतलब कोर्ट ने हमारी बात को सुन लिया है। जो हम लोग नेवी कोर्ट गेस चल रहा है उसमें कोर्ट ने बहुत सारी बातों को, जो हमने पक्ष रखे अपने कि एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए, सभी को मौका मिले, सबको मौका मिले, एज रिलैक्सेशन, मतलब सर जो कैंडिडेट्स की एज है वो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और सर ये सारे मुद्दों को रखा गया है। तो प्यारे साथियों, मैं बस बहुत ही शॉर्ट्स में बताने वाला हूं क्या हुआ है। फर्स्ट ईयरिंग मतलब ये हो चुका है, पहली सुनवाई हो चुकी है, और जैसा कि आप शायद आपको पता चल गया हो, दिल्ली हाई कोर्ट ने नेवी से जवाब तलब किया है। कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट कर रहा है, और दिल्ली हाई कोर्ट की दो जजों की पीठ ने, मतलब डीएन पटेल एंड ज्योति सिंह, इन दोनों जजों ने और नेवी से जवाब तलब किया है। और केवल नेवी से ही नहीं, दोनों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों से ही जवाब मांगा है। एमओडी और नेवी, इंडियन नेवी दोनों को ही नोटिस जारी किया है। और ये भी मैं बता दूं आपको कि कब तक जवाब देने को कहा गया है, 11 जनवरी 2022, मतलब लगभग एक मंथ है हमारे पास, ठीक है ना, 1 जनवरी 2022 तक नेवी से जवाब मांग दाखिल करने को बोला गया है। मतलब नेवी से पूछा गया है कि आप अपना पक्ष रखिएगा, क्या दिक्कत है, सबका ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं किया जा सकता, सबको मौका मिलना चाहिए। एक महीने का टाइम दिया गया है इंडियन नेवी को बचाव पक्ष रखने का। और सर ये कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर क्या नेवी इसी बीच में यदि एडमिट कार्ड रिलीज कर देगा, ऐसा नहीं कर सकता, पहले उन्हें क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा, पहले क्लियरेंस देना पड़ेगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, नेवी एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं कर सकता, पहले उन्हें ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों नहीं, अपना पक्ष रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर क्या, सबसे ज़्यादा बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या दोबारा से साइट ओपन होगी, मतलब फॉर्म भरने के लिए मौका मिलेगा। प्यारे साथियों, ऐसा पॉसिबल मुश्किल है, मतलब फॉर्म जिन्होंने भरा है उन सबको मौका मिल सकता है, लेकिन अगर आपने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया है तो ये कहीं ना कहीं फिर मौका नहीं मिलेगा, बट वो आगे पॉसिबिलिटीज भी हैं। और पहला जो केस है, केस रेफरेंस भी दिया गया है, जब भी नेवी पहले भी ऑफलाइन कराता था, फिर एक बच्चे ने जब ऑनलाइन 2017 से ऑनलाइन शुरू हुआ तब भी कोर्ट केस के द्वारा ही ऑनलाइन शुरू किया गया था, तो उसका भी रेफरेंस दिया गया है, ठीक है ना। फॉर्म फिल करना चाहिए था आपको, सबको करना चाहिए था, ये जरूरी था। बाकी सर ये बताइए, फॉर्म नहीं भरा है तो चांसेस नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि दोबारा नेवी, हाँ नेवी ये कर सकता है कि सबका ऑनलाइन एग्जाम करा देगा जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, लेकिन दोबारा से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा ये चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हम ये कह सकते हैं कि जो केस है सर अभी पॉजिटिव साइड में जा रहा है, मतलब जो बात अभी मैंने देखी, जो पता चला, ठीक है ना। और डिफेंस गुरुजी ने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट किया, उसको मैंने पूरा पढ़ा, उसमें कोर्ट ने सारी बातें सुनी हैं को जितनी भी बच्चों की हैं, तो केस हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की पॉजिटिव साइड में जा रहा है, मतलब अभी एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है क्या सर। प्यारे साथियों, इस बारे में मैं फिर दोबारा से बोलूंगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि जो बिल्कुल आस टूट गई थी कि सर पता नहीं क्या होगा, बहुत हद तक वो अभी जाग गई है, मतलब प्रयास बेकार नहीं जाएंगे। प्यारे साथियों, प्रयास करना चाहिएगा, फिर दोबारा से मैं बोल रहा हूं, डिफेंस गुरु जी के इटर्नल जो सपोर्ट दिया उन्होंने किया बच्चों के लिए, वो बहुत ही, मतलब तहे दिल से उनका शुक्रिया, और मैं लगातार इस केस से अपडेटेड हूं, मतलब क्या चल रहा है। तो प्यारे साथियों, हो सकता है कि जो एग्जाम हो, नेवी अपना जो पक्ष रखे वो एक मंथ में क्लियर कर देगा, तो आप परेशान मत होइएगा, जो भी अपडेट मेरे पास आता रहेगा मैं उसे कंफर्म अपडेट आप तक लेके आऊंगा। और सारे मुद्दों पर ही बात की गई है, ऐसा मत सोचना कि कोई एक ही मुद्दा है कि एग्जाम ऑनलाइन का स्ट्रक्चर कंडक्ट कराने का, एज रिलैक्सेशन आगे उसमें लिखा गया बट उस पर अभी हियरिंग नहीं है। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पॉइंट अभी यही है कि सर एग्जाम क्यों नहीं किया जा सकता, सारी बातें अच्छे से सुनी गई हैं,
तो बस यही मुझे अपडेट करना था। और यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो कि सर ये मेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आपके इटर्नल लव और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और मैं हाँ, जो स्क्रीनशॉट आया, जो न्यूज़पेपर में स्क्रीनशॉट है, जैसा कि शायद आपको पता चल गया होगा, आप इस वीडियोस में देख सकते हैं नेक्स्ट आगे स्क्रीनशॉट में कोर्ट ने क्लियरली बोला है नेवी से कि आपको एक महीने में जवाब तलब करना है, मतलब अपना पक्ष रखना है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। जब कोस्ट गार्ड का पेपर ऑनलाइन हो सकता है तो नेवी का ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? कोरोना इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो चलिए, आपके थैंक यू, मतलब आपके इटर्नल लव और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मेरे अंदर कोई चीज की बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए मानते हैं कि सर ये सर में पहली बोलते होंगे। ये रियल है भाई, ये हमारा जुड़ाव है दिल का। एक्चुअली भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।